हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। होप आप अमेजिंग हैं। मैरिज, विवाह, आपकी शादी अगर ट्विन फ्लेम से ना हो, आपके रिलेशंस पे, आपके करियर पे, आपकी इमोशनल जर्नी पे क्या असर पड़ता है, उस स्थिति में आप खुश रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, भावनात्मक कनेक्शन कैसा रहता है सोलमेट या कार्मिक के साथ, अगर आपकी मैरिज कार्मिक या सोलमेट से हो गई है तो कैसा जीवन रहेगा आपका अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप इस रिलेशन में हैं, इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं डिटेल से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, मुझे पहली बार देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, समस्या तो है क्योंकि यहाँ पे आपकी मैरिज सोलमेट या कार्मिक के साथ हो गई है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जर्नी में है मतलब इसके साइंस मैंने बताए हैं, और वैसे भी अगर आपके लाइफ में काउंटर पार्ट आ रहे हैं तो यूनियन को समझना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी मैरिज ना होने की कंडीशन को आप समझ सकते हैं। अगर आप जर्नी में होते हैं, काउंटर पार्ट से मिल भी जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं, आप हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं और आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जब आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से होने लगता है, आपकी डेस्टिनी फुलफिलमेंट बहुत तेजी से होता है, एक दूसरे की मेंटल और इमोशनल वीकनेस को आप मिरर करने लगते हैं, एक दूसरे को इम्प्रूव करने लगते हैं डे बाय डे। अब आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, एक पूर्णता का एहसास आपको हो जाता है और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका लाइफ बहुत सडनली चेंज होती है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। ये सारे चेंजेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मैरिज सोलमेट से हो गई, कार्मिक से हो गई, तो ऐसे केसेस में क्या होगा दोस्तों? अगर आप जर्नी में हैं, आपकी मैरिज सोलमेट से हो गई, तो वो कोई गड़बड़ स्थिति नहीं है, लेकिन समझना होगा कि आप किस स्थिति पे है। इस ऐसी अवस्था में क्या आपका सोल पर्पस पूरा होगा? क्या आपका रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ बेहतर हो पाएगी? उसके लिए आपका सोल पर्पस को समझना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज को अपनी जान जाते हैं तो हम समझ पाएंगे उसकी मैरिड लाइफ या सोलमेट के बाद, मैरिज करने के बाद उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला, अगर उसका सोल पर्पस अपने सोलमेट के साथ है तो डैट इज़ गुड एक्चुअली, और अगर नहीं है, अगर फैमिली ने ज़बरदस्ती मैरिज करा दी है या मैरिज हो गई है सडनली, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति खुश नहीं रहेगा। इमोशनल स्टेज पे, मेंटल स्टेज पे, फिजिकल स्टेज पे, किसी भी लेवल पे आप इनकम्प्लीट फील करेंगे, आप परिपूर्ण फील नहीं करेंगे खुद को। दूसरा, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते हैं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, बहुत सारे लोगों में देखिए कितनी क्रिएटिविटी है, उन क्रिएटिविटीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जो कुछ जानते हैं उसको भी फुलफिलमेंट में नहीं ला पाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। आप ऐसे लोग दिखे जिनकी आफ्टर मैरिज कितनी ग्रोथ हुई है, क्योंकि वो एक दूसरे को कंपैटिबल करते हैं, उनकी एनर्जीज भी एक दूसरे को परिपूर्ण करती है। उसमें से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग सोलमेट होते हैं, बट सोलमेट भी अगर आपकी एनर्जीज को कंपैटिबल कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि कोई सोलमेट हो वो कंप्लीट हर एक फील्ड में कर दे, स्पिरिचुअली भी कंप्लीट कर दे, मेंटली भी कंप्लीट कर दे, आप इमोशनली भी कंप्लीट कर दे, और फिजिकल अट्रैक्शन भी, आपका जो अफेक्शन है उसको भी कंप्लीट कर दे, ये चारों स्तरों पे चेंजेस आ जाए, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन हाँ, सोलमेट्स आपके कई सारे लाइफ के पॉइंट्स को कंप्लीट कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं, आपके जीवन में एक गाइडेंस के तौर पे भी काम कर सकते हैं, आपको एक नई दशा और दिशा में ला सकते हैं। ये स्थिति होती है जब आपकी मैरिज सोलमेट के साथ हो जाती। लेकिन कई स्थितियां ऐसी बनती हैं जब आपके कर्म इतने, ऐसी स्थिति दोस्तों बनती है जब आपके कर्म ऐसे डेवलेशन स्टेज में होते हैं, जब व्यक्ति ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, उस केस में ट्विन फ्लेम के द्वारा भी हर्ट होता है, ट्विन फ्लेम भी उसको मिरर कर करके सेपरेशन के फेज में आ जाता है, अगर वो यूनियन में कभी आए हैं तो। अगर नहीं आए हैं तो कई बार तो खोज ही नहीं पाएंगे। उस केस में आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप इमोशनली भी कंप्लीट फील नहीं करेंगे, मेंटली भी कंप्लीट फील नहीं करेंगे, फिजिकली तो आप करेंगे क्योंकि एनर्जी कंपैटिबल यहाँ होगा नहीं। लव की जगह आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा, लस्ट बचेगा, आप बेसिक चीज़ों पे सरवाइव करना ही आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका करियर भी उस केस में बहुत अच्छा नहीं होता है। आप स्ट्रगल करते हुए खुद को देखेंगे बहुत सारे केसेस में, इवन आपका कुछ योग बन रहे हैं, आपकी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी भी बन रही है चार्ट वाइज, फिर भी आप स्ट्रगल करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि आपका माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट नहीं है, आपके मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कराया था,
अब यूनियन को समझना है और तभी ये आफ्टर मैरिज का सोल पर्पस समझ में आएगा, क्योंकि आप इस जर्नी में आए हैं, कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई डिज़ायर होगी, उसी अनुसार इस जीवन में आप जन्म लेते हैं। मैं PLR करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ की जो डिज़ायर है वो उस जन्म से संबंध रखती है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्टिन्यू सतत प्रक्रिया है जिसमें आप हर बर्थ में डिज़ायर के अकॉर्डिंग जन्म ले रहे हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम से मिल नहीं पाए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर के कारण कहीं ना कहीं आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर भी रहा है। इसी वजह प्यार को छोड़ के आपने बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया है, इसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और इसका कारण ये भी है नीडीनेस ऑफ लव। आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं खुद को, और दूसरे पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इससे भी आपके लाइफ में मेजर ब्लॉकेजेस आते हैं। अगर सामने वाला कई बार अपनी ही एनर्जीज को कई बार फील करता रहता है और समझता है कि सामने वाला मुझे ये एनर्जी दे रहा है, ये मैं उसके इमोशंस मेरे प्रति यही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत मेजर रीजन है जिससे आप इस जर्नी में बहुत डिफ्लेक्शन फील करते हैं, इल्यूजन्स फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे DF बहुत सारे DM अपनी ही एनर्जीज को फील करते रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के कारण। उनको लगता है उनका काउंटर पार्ट ये है वो है या उनके हस्बैंड ऐसे फेज में है। ये स्टेज तब तक बनी रहती है जब तक उनकी अंदर अवेयरनेस नहीं आ जाती है। जब वो ऐसे मेडिटेशंस करते हैं, अपने आप को हील करते हैं और बैलेंस करते हैं, तो चाहे जिससे भी मैरिज हुई हो, चाहे वो सोलमेट से हुई हो, चाहे वो कार्मिक से हुई हो, कार्मिक होगी तब तो फिर पूरा डेवलेशन में जाएगा, पूरी स्थिति गर्त में जाएगी। उस स्थिति में आपको कॉर्ड कटिंग, कर्मा क्लिंजिंग, शरीर मन आत्मा की शुद्धि जरूरी है, आपको क्लींस करना जरूरी है जो भी ब्लॉकेज आपके चक्रों में है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी रीडिंग, उसके थ्रू आप काम करिए, अपने आप को हील करिए और बैलेंस करिए। ऐसे केसेस में बहुत आसानी से आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सोलमेट से मैरिज हुई है तो ऐसा नहीं कि आप बहुत इनकम्प्लीट फील करेंगे, कई बार बेहतर स्थिति होती है, बहुत सुंदर स्थिति बनती है, उसमें भी आपको बहुत बैलेंस और फिजिकल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो ज़रूरी इस बात का है कि आपकी जो भी मैरिज हो गई है उस पर कहीं ना कहीं हील करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे तो सिर्फ ट्विन फ्लेम जो हैं, जो आपके बाहर हैं कहीं, वो आपको हील नहीं कर सकते हैं। पहले आप किसी पर्सन के साथ अगर कॉर्ड बन रहा है, उसके साथ आपके कर्मा बन रहे हैं, तभी उस केस में सोलमेट या कार्मिक के बीच मैरिजेस होती हैं। अगर आप कर्मा क्लिंजिंग कर लेंगे उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी ट्विन फ्लेम से मैरिज ना हो और आपका सोल पर्पस पूरा ना हो। इसी वजह से आपका सोल पर्पस डिफरेंट हो जाता है। काउंटर पार्ट का सोल पर्पस अलग है, वो किसी और के साथ है या किसी और के साथ जर्नी है, लोगों को अलग तरह से सर्व करना है, आप अलग तरह से लोगों को सर्व करना चाहते हैं, अलग तरह की चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। इसी वजह से सोल पर्पस अगर अलग है तो सेपरेशन डेफिनेटली होगा। उस स्थिति में आपकी मैरिज, आपका विवाह किसी दूसरे के साथ होना तय हो जाता है। लेकिन अगर आपका पर्पस सेम है तो कोई भी शक्ति आपको सेपरेट नहीं कर सकती है, डिवाइन भी आपका हेल्प करते, क्योंकि आप दोनों का पर्पस एक, आपकी डेस्टिनी एक है, क्योंकि हम पर्पस और डिजायर के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड ले रहे हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि डिजायर इंप्रूव होते ही आपका पर्पस और आपकी वाइब्रेशंस इंप्रूव होते ही सेपरेशन और विवाह का फेज भी आपके लाइफ में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कि कैसा महसूस होगा, कैसा चेंजेस आएगा, नेक्स्ट मिलते हैं कल। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। शिव शक्ति मेडिटेशन होगा आपका नवरात्रि में कराया जाएगा, और डिफरेंट तरह के मेडिटेशन भी इसमें इंक्लूड हैं, तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।